हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड सम। आज मैं शेयर करूंगी खीर की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी चावल की खीर। खीर बहुत तरह के बनते हैं, जैसे सेवैया की खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर। इससे पहले भी मैंने छेने का खीर की रेसिपी शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो आइए देखते हैं चावल की खीर कैसे बनाते हैं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क। आप इसके जगह पे टोंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम मिल्क से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इधर लिया है 3 टेबलस्पून गोविंद भोग राइस, जिसको मैंने वॉश कर लिया है। आप इसके जगह पे बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है किशमिश 10 से 15, 8 से 10 बादाम जिसको चॉप कर लिया है, और 2 छोटी इलायची। आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी लिया है मैंने 3 to 4 टेबलस्पून, क्योंकि मैं कॉन्डेंस मिल्क भी डालूंगी। 3 टेबलस्पून कॉन्डेंस मिल्क लिया है मैंने। आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो चीनी का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इधर मैंने दूध को गर्म होने के लिए एक पतीले में रख दिया है। दूध में जब एक उबाल आ जाए तभी उसमें 2 छोटी इलायची डाल देंगे। एक बार उबाल आने के बाद गैस को कम कर देंगे और उसमें चावल ऐड करके तुरंत उसको मिला लेंगे, नहीं तो चावल की गुठलियाँ बन जाएगा। और खीर को हमेशा चलाते हुए पकाएंगे, 2-3 मिनट बाद इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। देखिए 10 मिनट बाद खीर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसको चलाते रहें और ऊपर मलाई ना जमे इस बात का भी ध्यान रखें, नहीं तो मलाई जम जाएगा तो खीर का टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए इसको चलाना पड़ता है। आप इसको नॉर्मल चावल में भी बना सकते हैं, लेकिन बासमती राइस और गोविंद भोग राइस से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अभी चावल आधा ही कुक हुआ है, अभी इसमें बादाम और किशमिश मिला देंगे। आप आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला सकते हैं। देखिए और 5 से 7 मिनट हो गया है, चावल गल भी गया है, तो अभी इसमें चीनी ऐड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखें चावल गलने के बाद ही इसमें चीनी ऐड करें। और इधर मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून कॉन्डेंस मिल्क। कॉन्डेंस मिल्क अगर ना हो तो दूध को और थोड़ा सा गाढ़ा कर ले और उसके बाद खीर बनाएं और चीनी का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दें। अभी खीर ये लगभग रेडी हो गया है। ये अभी थोड़ा पतला दिख रहा है, लेकिन इसको ठंडा करके सर्व करेंगे, उसके ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो अभी गैस को बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो गया है। अभी इसको कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। मैंने इधर पिस्ते से गार्निश किया है। ये खीर बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसको ट्राई ज़रूर करें। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।